फरीदाबाद के गांव मोहब्बताबाद स्थित झरना मंदिर के प्रांगण में रात के समय सीसीटीवी में एक तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद गांव वासियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के गांव मोहब्बताबाद स्थित झरना मंदिर के प्रांगण की हैं, जहां गांव वासियों के अनुसार 15 से 17 जनवरी तक लगातार 3 दिन तक ये तेंदुआ मंदिर के सीसीटीवी में कैद हुआ है। गांव वालों के अनुसार इसकी सूचना वन विभाग को भी दे दी गई है। उनका कहना था कि इस दौरान पानी और शिकार के लालच में ये तेंदुआ इस मंदिर में रात के समय देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी गांव वाले को इस तेंदुए ने नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल गांव वासियों को अपनी और मवेशियों की जान का खतरा सता रहा है। ये हमारे झरना मंदिर की तस्वीर है, वहाँ पे रात के समय आता है और करीबन 3 दिन से लगातार आ रहा है। अच्छा, और इससे हमारे गांव में डर का माहौल है बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने फॉरेस्ट विभाग से भी बोला जी, तो उन्होंने बोला है कि हमें 4 किलोमीटर दायरे का जी वहाँ पे कोई भी रहवास नहीं होनी चाहिए जब हम उसको पकड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन ये तो मंदिर तक आ जा रहा है, वहाँ तो लोग रहते हैं, 4 किलोमीटर तो मंदिर पे तो रहते हैं, दिन रात लोग रहते हैं, पर लेकिन इस अब फिलहाल बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है जी। वहाँ पे लगातार 3 दिन से लगातार आ रहे। अभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया? वहाँ पे अभी किसी बंदे को नुकसान नहीं है, पर लेकिन वहाँ 2-3 पिल्ले वगैरह हैं, वो उसने उठा लिया रात में। अच्छा, हाँ, जानवर पर हमला कर, जानवर पर हमला, वो पहाड़ से उतरता है रात में जी, और रात में जैसे ही शोर शराबा हुआ, परसों अभी मेरी फोन पे बात हुई थी जो झरना मंदिर के पुजारी है उनसे बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि हमें जैसे शोर शराबा दिखा तो उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी जी, तो वो गए जैसे शोर शराबा, उसने दहाड़ मारी, दहाड़ मारी तो वो बोल रहे थे कि भाई अभी दहाड़ मारी तो हम उल्टे हाथ पीछे आ गए। हाँ, तो उन्होंने कैमरे चेक करे तो आगे कैमरे में कैद आया। गौरतलब है कि पिछले दिनों सूरजकुंड इलाके में भी एक तेंदुआ एक कुत्ते का पीछा करते हुए सीसीटीवी में दिखाई दिया था, और अब मोहब्बताबाद गांव में भी ये तेंदुआ देखा गया है। आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियों में तेंदुए, लक्कड़बग्घे, अजगर, नीलगाय और हिरण जैसे जानवर आदि पाए जाते हैं, लेकिन भोजन और पानी की तलाश में अब तेंदुए आबादी की तरफ रुख करने लगे हैं, जो कि एक खतरे की घंटी है। अब वन विभाग को इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।